दोस्तों बॉक्स ऑफिस के सुल्तान और भाईजान यानी कि दोस्तों सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 इंडियन बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर में रुकने का नाम नहीं ले रही और आज अपने छठे दिन के साथ ही दोस्तों इस फिल्म ने प्रूव कर दिया है कि यह फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बनने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर 3 के 6 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जानने वाले हैं दोस्तों कि इस फिल्म का लाइफ टाइम कितना होने वाला है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई करने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, बॉक्स ऑफिस, बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनीष शर्मा के डायरेक्शन में बनने वाली टाइगर 3 जिसके लीड में आपको सलमान खान, कैटरीना, इमरान हाशमी और शाहरुख खान का धमाकेदार कैमियो देखने को मिला है। ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें आपको जबरदस्त एक्शन, केमिस्ट्री, इमोशनल ड्रामा देखने को मिलने वाला है। टाइगर फ्रेंचाइजी की दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन हिस्टोरिकल ओपनिंग मिली और दोस्तों ये फिल्म स्पाई यूनिवर्स की थर्ड बिगेस्ट ओपनर साबित हुई। इस फिल्म ने दोस्तों दिवाली वाले दिन यानी कि एक इंपोर्टेंट दिन में भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग ली और 44 करोड़ 50 लाख रुपए की हिस्टोरिकल ओपनिंग लेकर दिवाली के दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। दूसरे दिन दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस में आउटस्टैंडिंग ग्रोथ देखी गई और इस फिल्म ने कमाए 59 करोड़ 25 लाख रुपए। तो वहीं दोस्तों अपने तीसरे दिन के साथ ही ये फिल्म 44 करोड़ 30 लाख रुपए कमा चुकी थी। दो ही दिनों में दोस्तों 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाली ये फिल्म बॉलीवुड की थर्ड बिगेस्ट ग्रोसर बनी। तो वहीं दोस्तों 3 दिनों में इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो स्पाई यूनिवर्स की एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है के फर्स्ट वीक कलेक्शंस को भी पीछे कर चुके थे। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के विगडेस की तो दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म ने जहां अपने चौथे दिन इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच वाले दिन भी 21 करोड़ 10 लाख रुपए का स्ट्रांग होल्ड करके दिखा दिया कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रांग चलने वाली है। तो वहीं दोस्तों अपने पांचवें दिन यानी कि कल भी सेमीफाइनल होने के बावजूद भी इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो 19 करोड़ के आंकड़े को आसानी से टच करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल है वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 188 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से टच करने में कामयाब रहा, जो कि एक तरह से सुपरस्टार सलमान खान की लास्ट कुछ फिल्मों से कहीं ज्यादा बेटर कलेक्शन है। तो वहीं दोस्तों अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म शुरुआती 3 ही दिनों में 240 करोड़ रुपए कमा चुकी थी। चौथे दिन दोस्तों इस फिल्म ने लगभग 40 करोड़ रुपए कमाए थे। तो वहीं दोस्तों अपने पांचवें दिन इस फिल्म के कलेक्शंस लगभग 31 करोड़ 50 लाख रुपए के आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो 300 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहा है और इसी के साथ सुपरस्टार सलमान खान सबसे ज्यादा 300 करोड़ फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर देने वाले सुपरस्टार बन चुके हैं। बॉलीवुड की तरफ से दोस्तों आज तक सलमान खान के अलावा कोई भी सुपरस्टार इतनी फिल्में 300 करोड़ के क्लब में दुनिया भर में शामिल नहीं कर पाया जितनी उनकी फिल्में हो चुकी है। 17 फिल्में लगातार उनकी 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई है। 15 से ज्यादा फिल्में दोस्तों उनकी 300 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी है और अब उम्मीदें हैं दोस्तों कि यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ के क्लब में भी जल्द ही शामिल हो जाए। अगर बात की जाए दोस्तों अभी तक के टोटल की तो दोस्तों आज की इस फिल्म की जो एडवांस है वो लगभग 6 करोड़ 20 लाख रुपए की है। मॉर्निंग से ही दोस्तों ये फिल्म आज भी 25 से 28% की ऑक्यूपेंसी लेकर ओपन हुई है। तो वहीं दोस्तों आफ्टरनून और इवनिंग में इस फिल्म की आज की ऑक्यूपेंसी कल की ही तरह ट्रेंड कर रही है। आज दोस्तों कोई भी बड़ा मैच नहीं है, यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने छठे दिन भी लगभग 19 से 20 करोड़ रुपए की कमाई आसानी से करने वाली है, जिससे कि इस फिल्म का टोटल 210 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों ये फिल्म सुपरस्टार सलमान खान के लिए एक और 200 करोड़ की फिल्म बन चुकी होगी। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म 340 करोड़ रुपए के आंकड़े को आज छू लेगी। दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म का जो बजट है वो भी लगभग 300 करोड़ का है और यह फिल्म इंडिया में 210 करोड़ और दुनिया भर में 340 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। अगर दोस्तों इस फिल्म को इस वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर इसी तरह का रेस्पॉन्स मिलता रहा तो यह फिल्म 500 करोड़ के क्लब में जल्द ही शामिल हो जाएगी और सुपरस्टार सलमान खान के लिए एक और 500 करोड़ ही बन जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों सलमान खान की इस फिल्म का लाइफ टाइम कितना रहेगा? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।